सियासी गुणा भाग और जोड़ तोड़ के नतीजे क्या निकलेंगे, इसका आकलन शायद कोई सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर पाए। महाराष्ट्र में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है। कल तक सत्ता पक्ष को कोसने वाले अजीत पवार अपनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से बगावत कर डिप्टी सीएम बन गए हैं। एक तरफ इस तरह के घटनाक्रम को राजनीतिक दलों में आंतरिक असंतोष और गुटबाजी से जोड़ा जा सकता है, तो दूसरी तरफ सत्ता के उस स्वाद की आकांक्षा से भी जिसे हर कोई पाना चाहता है। राजनीतिक दलों में बगावत का ऐसा दौर जब भी होता है तो इस बात को जोर शोर से प्रचारित किया जाता है कि उनके दल में लोकतंत्र नहीं रहा, इसलिए वे अपने विरोधियों से हाथ मिला रहे हैं। यहाँ हमने दिखाई नहीं, हमने बात नहीं की नहीं, ये MLA की स्ट्रेंथ, अभी यहाँ MLA है मगर ये उनका डिसीजन है। हमने स्ट्रेंथ दिखाने के लिए यहाँ किसी को बुलाया नहीं। 8-10 दिन के बाद लोग जब सोचेंगे तब उन्हें भी पक्की स्थिति क्या है इसका अंदाज़ा आएगा। और दूसरी बात है कि स्ट्रेंथ कभी कम हो जाती है, कभी चुने हुए साथी छोड़ जाते हैं। ये बात शायद आप लोगों को नहीं रही होगी, मुझे फास्ट एक्सपीरियंस ऐसे चीज़ों के बारे में 2-3 बार हुआ है और मुझे खुशी इसकी है कि जब ऐसी स्थिति का सामना करने की स्थिति मुझ पर आ गई चुनाव होने के बाद, लोगों ने मेरी जो नीति थी उसका समर्थन दे दिया। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक कोई नई बात नहीं है। चुनाव पूर्ण गठबंधन को नकारते हुए 2019 में शिवसेना ने अपने सहयोगी दल भाजपा से संबंध तोड़कर जिस तरह सरकार बनाई वो भी किसी से छिपी नहीं है। इसके बाद एकनाथ शिंदे शिवसेना से बगावत कर सीएम बनने में कामयाब हुए। विपक्षी दल इस घटनाक्रम के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भाजपा इसे राकांपा का अंदरूनी मामला बता रही है। वहीं एनसीपी के बागी नेता किसी दबाव से इनकार करते हुए विकास के लिए शिंदे सरकार का साथ देने की बात कह रहे हैं। पहले के जो पदाधिकारी थे उनको तत्काल कुछ कंटिन्यूटी के लिए चार्ज हमने फिर से दिया था, जिसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी हमने श्री जयंत पाटिल को दी थी। उस जिम्मेदारी को आज तक हमने उनको वो करने का मौका दिया, लेकिन अभी मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आज से श्री सुनील तटकरे जी को देने का फैसला किया है। सियासी जोड़तोड़ के माहिर खिलाड़ी रहे राकांपा प्रमुख शरद पवार के लिए ये निश्चित ही बड़ी सियासी चोट साबित हुई है। ऐसे वक्त में जब पवार खुद विपक्षी एकता के प्रयासों में जुटे थे, उनकी ही पार्टी में ये विभाजन महाराष्ट्र की नई सियासी इबारत लिखने वाला होगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन अहम सवाल यही उठता है कि देश की राजनीति आखिर सत्ता की खातिर ऐसे रास्ते पर क्यों चलने लगी है। पृथक चुनाव चिन्ह पर जीत कर आने वाले आसानी से विरोधियों से हाथ क्यों मिलाने लगे हैं। देखा जाए तो धनबल के सहारे सत्ता पाना और सत्ता के सहारे धनबल हासिल करना आज की राजनीति का बदला स्वरूप हो गया है। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश का कोई भी हिस्सा इससे अछूता नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जनता जिसको सत्ता से बाहर रखना चाहती है वो सत्ता हत्या लेता है। दल बदल कानून की धज्जियां उड़ते देख अदालतों से लेकर चुनाव आयोग तक ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। चुनाव बाद होने वाले गठबंधनों में सत्ता लोलुपता की प्रवृत्ति तभी रुकेगी जब संवैधानिक प्रावधानों में जरूरी बदलाव हों। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका टीवी।